तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी जा रहा हूँ इन सबको सानी पानी करने, और खरी और भूसा जा रहे हैं छत पर से उतारने, और बाकी यहाँ पे नाद में पानी है और ये सब चिल्ला रही हैं कभी से, और वो तो और चिल्ला रही है। और मौसम सुबह का कुछ इस तरह है, जो कि 5 बज रहा है, अभी सूर्य नहीं निकले हैं। तो पहले इन सबको सानी पानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग करते हैं। तो अभी इन सबको सानी पानी कर दिया हूँ और टाइम हो चुका है 6। तो अपना मस्त खा रही है एकदम मस्त। पर एक बात का बुरा लगता है कि वो जो लाल गाय है ना बच्चा, वो नहीं खा पाती है, तो बहुत अंदर से फील होता है कि यार अच्छा नहीं हो रहा। मतलब एक नाक खाली है, पर ना उसको खिलाएंगे तो ये और ये उसको मारेंगे, इसलिए उसको वहाँ पे बांधे हैं ताकि वो बच्ची रहे, मतलब मार ना खा पाए, बाद में अपना खाना खा पाए। तो अभी जब इन सब का दूध निकाल लूँगा ना तब उसको दूंगा। तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं उसको भी मार रही है। तो अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं और बाहर देखते हैं मौसम कैसा है। मौसम कुछ इस तरह है एकदम, और इधर बकरियाँ भी अपना खाना खा रही हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और टाइम हो चुका है इन सबका दूध निकालने। तो मेरे हाथ में खड़ी है, खड़ी आते हैं इसको। अब इन सब का दूध निकालते हैं निराज हमना। तो आज कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, तो दूध निकालते वक्त शायद वीडियो ना बन पाए, तो पहले दूध निकाल लेते हैं। गाइस, यहाँ पे इन सब का दूध हम निकाल चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 8, और अभी इन सबको हल्का दिए तो अब जा रहे हैं खड़पा और इन सबको धोने। मस्त अपना खा पी कर दूध देकर खड़ी हो चुकी हैं। ज़्यादा चिल्ला आ रही है पता नहीं क्यों, और बाकी उसको भी सानी दे दिए हैं जो कि जिसको बाद में देते हैं। बाकी इसे डर लग रहा है क्योंकि ये लात मार देती है, लेकिन कभी मारी नहीं, लेकिन एक बार मारी है। और ये भी हो चुका है, तो ये सब गोबर देख रहे हैं ना, ये सब बहा देंगे। आधा ज़्यादा गोबर फेंका चुका है और इसको बहा देंगे, और बाकी इधर काम हो चुका है इन सब का मस्त है एकदम। और बाहर का मौसम भी मस्त है एकदम बढ़िया वाला। तो पानी शुरू हो चुका है और यार पानी काफ़ी ठंडा आ रहा है, मतलब मस्त लग रहा है, नहाने का मन कर रहा है। अभी पाइप कहाँ भाग रहा है भाई, अरे डूब जाए डूब जाए, अब क्या नागमणि लेकर ही जाएगी। तो धोते हैं फटाक से इन सबका काम। तो पहले धो लेते हैं खड़प्पा। इन सब का काम हो चुका है ख़त्म, खड़प्पा भी धो दिए और गायों को भी धो दिए, और ये सब आराम से नहा भी लिए, मतलब खड़ी हैं, अभी कुछ देर में बैठ जाएंगे, अभी तो फिलहाल खड़ी हैं ये सब। और बाकी मेरा काम सुबह का हो चुका है ख़त्म, अब आएगा शाम में। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या करते हैं। अरे खेतों में काम कर रही है, और कुछ इस तरह खेत है जो कि हमारा नहीं है, दूसरे का है, पर हम लोग इसमें खेती करते हैं। और ये अमरूद का पेड़ है, इसमें अभी फरा नहीं है, अभी फर रहा है, 1-1 महीना फर जाएगा। तो बाकी ये रही हमारी गायें, और कैसे खड़ी हैं सब देख सकते हैं आप लोग, मस्त है एकदम। कहो लाइक करो सब्सक्राइब करो, कहो। और ये चारों तरफ घर ही घर, बस कुछ इधर ही मैदान बचा हुआ है, नहीं तो इधर तो पूरा घर बन चुका है। और छत पर से ब्लॉग कर रहे हैं, और ये है मेरा डिश और प्लस जियो का एयर फाइबर, और ये कुछ इस तरह रहा मैदान। तो अभी ये जा रही है सोने, मतलब उठी थी लेकिन जा रही है सोने, कैमरा देख करके हम जा रहे हैं सोने, लेकिन इसको सोएंगे नहीं क्योंकि अभी सुबह बज चुके हैं 8। इतना देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये छोटी है, अगर इसकी आदत रहेगी तो बड़ी होगी तो ऐसे ही करेगी। टी-शर्ट पहन चलो, मतलब देर सुबह तक 8 बजे तक उठाना हमारा सीधे वो फिर कहेंगे जाकर नहाएगी। तो ये उठ चुकी है, मतलब उठ नहीं रहती हूँ, जबरदस्ती उठाए हैं। सुबह के 12 बज गए हैं और ये सब मस्त अपना बैठ कर आराम कर रही हैं, और हम भी जा रहे हैं कहीं थोड़ा बाहर बाहर, क्योंकि कुछ काम है। और ये रही बाइक, लेकर चलते हैं। मौसम काफ़ी मस्त हो चुका है एकदम, ठंडा ठंडा, धूप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बारिश होगा, लेकिन बारिश नहीं होगा क्योंकि आसमान एकदम साफ है, तो धूप भी नहीं है और आसमान साफ है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा बाज़ार में, काम आ रही है। तो अभी जा रहे हैं गायों को पानी पिलाने,
लेकिन हमारे गायों को पानी पिलाने में मदद करेगी अदिति। कहाँ ना बल्टिया, कौन बात नहीं। चलो ले उठाओ उठाओ उठ जाए उठा, दोनों आते दोनों आते दोनों आते। चलो तू भी पकड़, मैं पकड़ती हटू। तू वहाँ पे खड़ी है और हम पानी पिला रहे हैं जो कि उससे बल्टी उठ नहीं रहा है। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 4 और अब जा रहा हूँ सबको सानी पानी करने और ये सब चिल्ला के काम किए थे वो शाम में अब करने जा रहे हैं। और बाकी शाम में कुछ अलग रहता है भाई दिन सबका। क्या हुआ एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम्हारे जगह ला कर हम भैंस को बांध देंगे। अरे तो ये एटीट्यूड दिखा रही है मेरे को। ये कह रही है ना नहीं मालिक, हमें एक लोग को सेवा करो, भैंस खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको सानी वानी दे दिए और ये सब अपना मस्त खा रही हैं और हम चल रहे हैं बाहर, थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, आधा घंटा लग गया सानी देने में क्योंकि लेट हो चुका है। बाकी मौसम इस तरह है कुछ वहाँ पे बहुत मतलब घर वाले बैठे हैं। तो ये शाम के वक्त खेल रही है अकेले, ये मतलब अपने आप में ये खुश रहती है ना किसी, मतलब बहुत से छोटे बच्चे हैं लेकिन उनके साथ नहीं खेलेगी, ये अपना अलग खेलेगी पता नहीं क्यों। और बाकी सब अपना इकट्ठे में खेलते हैं लेकिन ये इसको पसंद है खेलना अकेले में ही। पानी पानी खाकर सो चुके हैं तैयार दूध देने के लिए, तो ये फटाक से सबका दूध निकाल लेता हूँ। जिस तरह से ये सब है कोई इधर खड़ी है तो कोई इधर खड़ी है, तो इन सबका पहले दूध निकाल कर सबको साइड में बांधता हूँ, फिर उसके बाद खड़पा दूंगा, फिर उसके बाद हो जाएगा काम ख़त्म। लेकिन अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है तो अभी फटाक से पहले इन सबका दूध निकालता हूँ। तो ये रहा दूध और ये रही गाय, क्योंकि सबका दूध निकाल चुके हैं हम। और अभी रात भी हो चुका है, काफ़ी अंधेरा मतलब काफ़ी नहीं हुआ है, हो रहा है मतलब ठीक ठाक अंधेरा हो चुका है जो कि लाइट रोड पर का जल चुका है और इन सब का काम करने में आज हो चुका है हमको लेट। इन सबको अलग अलग बांध देते हैं, फिर इन सबका खड़पा भी जो होता है ना उसको भी धोना है। तो पहले इन सब का काम करते हैं फिर उसके बाद ब्लॉक करते हैं। तो इन सब का हो चुका है काम ख़त्म और शाम का भी काम हो चुका मतलब ख़त्म। कब आएगा इन सबका काम सुबह, तो अभी रात हो चुकी है तो रात में कहीं जाएंगे नहीं, वैसे भी सुबह में कहीं जा भी नहीं रहे हैं। तो अभी फिलहाल अपना काम करते हैं और कैमरा क्वालिटी ख़राब हो चुका है ना। इस ब्लॉग को करते हैं इसी पे ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।